हाँ जी मित्रों, मैं हूँ मेगा ब्लू। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो क्या भाई, शॉकिंगली यार ट्रिगर्ड इंसान का जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हो गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ यार ट्रिगर्ड इंसान के सेकंड चैनल लाइव इंसान के बारे में। हुआ क्या कि कल के दिन यार रात में ही ट्रिगर्ड इंसान के चैनल लाइव इंसान पे भाई एक स्ट्रीम चालू होती है, जहाँ पर भाई हमें ट्रिगर्ड इंसान की जगह एक हैकर देखने को मिलता है उनके स्ट्रीम पे। यस भाई, अब जब लोगों ने यार उस हैकर को देखा तो लोग यार काफी जल्दी डर गए। ट्रिगर्ड इंसान के फैंस ये कहने लगे कि भाई यार ट्रिगर्ड इंसान का जो चैनल है वो हैक हो गया टोटली। अब वो हैकर या ट्रिगर्ड इंसान के चैनल पे आके क्या कुछ कर रहा था, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसी स्ट्रीम से एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग। रशिया में इंटरनेट स्लो है चैट, टेक्निकल डिफिकल्टीज। हाँ, निश्चय जब किडनैप होता है तुम्हें पता है उसे कोई नहीं ढूंढता, ऐसा है तुम्हारा ट्रिगर्ड इंसान। जब निश्चय पता गेमिंग करता है ना तो निश्चय जिता देता है अपोनेंट टीम को। बेशरम बेशरम कैरी, अगला चैनल कैरी का है, 6 दिन के अंदर तुम्हें मैं कैरी के चैनल पे मिलूंगा, ये प्रूफ करने की कोई प्रैंक नहीं है। अब जब यार लोगों ने इस बंदे को देखा, यानी कि इस हैकर को देखा, तो आवाज से यार लोगों को ये लग रहा है कि ये कोई हैकर वैकर नहीं है। एंड ऑल्सो ये जो बंदा है वो वंशज है, बिकॉज यार इसकी आवाज जो है वो वंशज से बहुत ज्यादा मैच कर रही है। तो लोग यार इंस्टाग्राम पे गए, एंड ऑल्सो वंशज को टैग वगैरह भी करने लगे, एंड ऑल्सो यार मल्टीपल कमेंट्स वगैरह भी करने लगे ट्रिगर्ड इंसान के उस स्ट्रीम पे। आप लोग देख पा रहे कि भाई ये वंशज ही है, हमारे साथ प्रैंक हो रहा है ऐसा वैसा। तो वंशज ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया इस चीज को क्लियर करते हुए कि क्या वो है वो, देखिए आप लोग। हाय गाइस, तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को कल की स्टोरी पे बताया था कि आई एम एक्सट्रीमली अनवेल पिछले 1-2 दिनों से, सो आई वाज रेस्टिंग। और मुझे अभी पता चला कि निश्चय भाई का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है, ट्रिगर्ड इंसान वाला नहीं लाइव इंसान वाला, एंड लोग स्टोरीज पे मेरे को टैग कर रहे हैं। लाइक व्हाई वुड आई डू दैट, मैं अपने जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं मैं उनका चैनल क्यों हैक करूंगा, जस्ट नॉट मी बा, आई डोंट नो। ऑल्सो चैनल हैक होने के ऊपर यार ट्रिगर्ड इंसान ने अपना खुद का भी रिएक्शन दिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया जिसमें वो कहते हैं, दिस इज नॉट मी स्ट्रीमिंग, आई एम लिटरली एट अ शूट इन मुंबई एंड डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अब पता नहीं यार ट्रिगर्ड इंसान के चैनल के साथ में क्या कुछ हुआ है, हैक हुआ है या फिर प्रैंक हुआ है। मोस्टली भाई प्रैंक ही है, बिकॉज मेरे को भी यार आवाज वंशज टाइप की लग रही थी। आप लोगों को क्या लग रहा है भाई कि क्या कुछ हो सकता है? एंड ऑल्सो हो सकता है कि किसी यार चीज की हाइप बनाने के लिए भी ट्राई करी जा रही हो। आप लोगों को क्या लग रहा है, जो भी लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो भाई फुकरा इंसान ने एक्सपोज कर दिया अनुरुद्धाचार्य महाराज को। बेसिकली हुआ क्या, आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंट वाली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुरुद्धाचार्य महाराज जी ने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि उनको कितने भी पैसे मिले वो बिग बॉस में भाई कभी नहीं जाएंगे, उनके टाइप का शो ही नहीं है बिग बॉस, वहाँ पे बेकार बेकार चीजें होती हैं। लेकिन बिग बॉस 18 स्टार्ट हुआ तो भाई ग्रैंड प्रीमियर पे ही पहुंच गए थे अनुरुद्धाचार्य महाराज जी। तो इस चीज पे फुकरा इंसान ने भाई कुछ स्टेटमेंट दिया अपने रीसेंट वाली वीडियो में। फिर आज शाम को अपन दोनों पियेंगे। दो भाई दोनों तबाही, मैं ही समझ गया। गुरु जी के फॉलोअर्स कभी भी ना आर्डेंट फॉलोअर्स नहीं बनेंगे, शिद्दत वाले फॉलोअर्स, क्योंकि गुरु जी अपनी बात की नहीं रहते यार। गुरु जी ने जनरल, मैं गुरु जी कहते हैं बिग बॉस तो कुत्ते बिल्लों का ये है, मैं उनको बोल रहा था कि वाह यार गुरु जी क्या बात बोल दी आपने, और अब गुरु जी पलट गए। गुरु जी खुद बिग बॉस के पहले एपिसोड पे बैठे हुए थे, वहां सबको ज्ञान दे रहे थे, यार गुरु जी यार तुम अपनी बातों के नहीं टिके यार, ऐसा नहीं चलेगा, और कह रहे मैंने पैसे भी नहीं लिए, यार क्या बात है गुरु जी यार। अगर हम लोग फुकरा इंसान के बारे में बात करें तो भाई फुकरा इंसान ने यार काफी स्ट्रिक्ट रिप्लाई किया है भाई यार रजत दलाल को, बिग बॉस को, कि भाई यार ये जो बिग बॉस वाले हैं वो इस तरीके से एक क्रिमिनल को कैसे ले लिया यार बिग बॉस 18 में, बिकॉज जिस तरीके से भाई बिग बॉस ने यार रजत दलाल को एंट्री दिलाई है यार बिग बॉस के अंदर, इस चीज से कितना गलत इन्फ्लुएंस पड़ेगा, एंड ऑल्सो यार कितने लोग ये गंदी गंदी हरकतें करेंगे इसके बाद। क्या कुछ कहा भाई फुकरा इंसान ने रजत दलाल एंड ऑल्सो बिग बॉस के बारे में वो देखिए आप लोग। रजत भाई इन बिग बॉस हाउस, दैट वाज वेरी ऑब्वियस कि रजत भाई तो अंदर जाएंगे जैसे उन पे केस चले, बट बिग बॉस घर के अंदर यार ऐसा नहीं सोचा था मैंने यार, सच में यार ऐसा कैसे हो गया, दैट इज वेरी शॉकिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस क्या चाहते हैं, बिग बॉस वांटेड अ कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी, बट डू यू थिंक इट्स राइट, कल को ऐसे लोग इंस्पायर होने लगे कि भाई अगर मेरे को किसी रियलिटी शो में आना है तो मैं भी भाई कलेश करूंगा, लोगों से लड़ूंगा, ये करूंगा, फलाना ढिमकाना करूंगा और बिग बॉस में आ जाऊंगा, तो लोगों पे गलत इंप्रेशन तो पड़ेगा। बिग बॉस एक ऐसा गेम है जिसमें उसको सिर्फ टीआरपी से मतलब होता है, उनको लेना देना नहीं है कि क्या मैसेज जा रहा है बाहर। जब वो दो बीवी वाले भाई को भी ले आए थे, बीवी वाले पति को ले आए थे, फिर तो ठीक है रजत भाई भी ठीक है भाई, अगर दो बीवी वाले भाई आ सकते तो क्या दिक्कत है, दो बीवी वाले पति आ सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो भाई थारा भाई जोगिंदर ने कुछ तो शॉकिंग चीज कर दी है भाई। थारा भाई जोगिंदर ने कोलैब किया क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ। लिटरली भाई मैं तो भाई ये पूछना चाहता हूँ कि रिंकू भाई क्या मजबूरी रही होगी यार आपकी। एंड इसी चीज को दिखाते हुए भाई थारा भाई जोगिंदर ने अपनी वीडियो कॉल ही पोस्ट कर दी भाई रिंकू सिंह के साथ में यार अपने इंस्टाग्राम के रील पर, वो देखिए आप लोग। रिंकू भाई क्रिकेटर बहुत है, लोग रिंकू को क्यों जानते हैं इस टाइम, क्योंकि भाई आपने वो काम किया है। हाँ ये बात तो, ये बस बोझी से आंते बस। हाँ भाई
अरे वो साढ़े हमेशा जाने के भाई, तुम एक बार छक्के मार दो, पांच पांच तेरी बहन की बल्ला मारो फेंक है जो पाकिस्तान के प्लेयर के सर पे। नाम चले ना चले तो चलाते भाई, रिंकू डोन नाम है भाई का। आप भी अच्छा कर रहे हो जोगिंद्र भाई, बस करते रहो ऐसी। भाई देखो रिंकू भाई, हम तो इसकी बहन की जिंदगी एक बार मिली है भाई, सोच रखी है आर या पार, सिस्टम हैंग करना है भाई पूरे। तुम भी मजे ले रहे हो जिंदगी का, बढ़िया इसकी बहन की, बढ़िया होटल भाई, मौज हो तो तुम्हारी ऐसी। लेजेंड बता रहा हूँ भाई, रिंकू सिंह ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करी है, इतना तो मोहम्मद सिराज ने नहीं किया होगा। आप लोग क्या कुछ सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात करते हैं थगेश के बारे में। भाई थगेश बात करते हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि बिग बॉस में यार जो भी यार कंटेस्टेंट वगैरह जाते हैं या फिर बाहर भी आते हैं, उनको यार उनको लिटरली यार काफी बढ़िया अच्छा खासा फेम मिलता है उनके ऊपर भाई यार, लिटरली बहुत सारे फैन पेजेस वगैरह बनने लगते हैं, काफी एडिट्स वगैरह बनने लगती हैं। तो इस चीज पे थगेश अपना ओपिनियन देते हैं, उनको कैसा लगता है ये सारी चीजें, देखिए आप लोग। ये बिग बॉस जाने के बाद सबके फुकट के एडिट बनना चालू हो जाते हैं, मैंने नोटिस किया, कोई भी आड़े टेढ़े पेज पे। एक रिएक्शन वीडियो बनाना चाहिए बिग बॉस, पॉजिटिव पीआर मीम्स आर फनी। अब अगर हम लोग बिग बॉस के बारे में बात कर ही रहे थे, तो बात कर लेते हैं भाई रजत दलाल के बारे में। तो क्या भाई रजत दलाल ने बिग बॉस 18 के ही भाई एक लेडी कंटेस्टेंट चाहत को भाई धमकी दे दी है, लिटरली ओपन धमकी। बेसिकली हुआ क्या कि बिग बॉस 18 में ही भाई एक प्रोमो अपलोड किया गया था एक एपिसोड का, जहां पर भाई हमें जो रजत दलाल है वो चाहत को भाई लिटरली धमकियां देते हुए दिखते हैं। उन्होंने क्या कहा वो बताता हूं। सबसे पहले तो रजत दलाल चाहत के बारे में ये बोलते हैं कि चाहत को भाई तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, एक ही बात को बार बार रिपीट करती रहती है, एक ही पॉइंट पे बैठ जाती है, एंड इसके दिमाग में और कोई चीज घुसता ही नहीं है, एंड ना ही ये कोई नई चीज बोलती है। तो चाहत भी रजत को रिप्लाई करती है कि रजत तुम मेरे टॉपिक में मत पढ़, मेरे भी टॉपिक से थोड़ा आगे निकल, बार बार तू चाहत चाहत बोलता रहता है, मेरा ही नाम लेता रहता है, मेरे टॉपिक को अब छोड़ दे, किसी और का नाम ले। तो रजत दलाल रिप्लाई करते हैं, आप बोलती हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके चक्कर में आपके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर सकता ना मैं। आप लोग समझ गए होंगे किस बारे में बात कर रहे थे रजत दलाल, मतलब वो थोड़ा धमकी टाइप का यार दे रहे थे, धमकी टाइप की वो प्रतीत हो रहा था वो स्टेटमेंट। तो चाहत भी रजत दलाल को रिप्लाई करती है, वो कहती है कि चाहते तो आप बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ कर नहीं पा रहे हो ना, क्योंकि टीवी पर हो लोग देख लेंगे तो आप अपने इंटेंशंस नहीं दिखा पा रहे हो। तो रजत दलाल यार चाहत का रिप्लाई करते हैं कि तू मेरे को मार के देख, यही तेरा भूत बना दूंगा, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता है, एंड मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता हूं। एंड ये जो प्रोमो अपलोड किया गया है, आप लोगों को भाई पता होगा कि प्रोमोस को यार कट कट करके अपलोड किया जाता है, जैसे कि यार हाइप वगैरह बने। आप लोगों को भाई पता ही है कि बिग बॉस जो है वो किस चिड़िया का नाम है, आप लोगों को लिटरली पता ही है कि किस तरीके से हाइप क्रिएट करवाते हैं। लेकिन जो भी हो यार, ये कन्वर्सेशन जो है वो थोड़ी हीटअप चली गई थी, बिकॉज यार रजत दलाल भी एंग्री रिप्लाई कर रहे थे, एंड चाहत के भी साइड से यार वैसा ही हमें कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा था। रजत दलाल के तो साइड से में धमकियां टाइप का प्रतीत हो रहा था। आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए यार मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, आगे जो न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग को बता दूंगा। हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, एक सेकंड लगता है कर लो सब्सक्राइब, यहां पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूं। मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में, पीस आउट।